हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस देखिए, ये आज हम बना रहे हैं मिर्ची बड़ा और शिमला मिर्च बोंडा, वो भी फास्ट में खाने वाले। तो देखिए ये कैसी रेसिपी है, मतलब कैसे हमने ये बनाई, और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अमेजिंग रेसिपी है। तो देखिए ये हमारी रेसिपी। और हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस चलिए आज देखते हैं एक यूनिक सी रेसिपी कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। गाइस देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं एक व्रत की बहुत अच्छी सी स्पेशल रेसिपी। ये हमारे मिर्ची बड़े बनाएंगे और ये हम शिमला मिर्च के बोंडा बनाएंगे, जो कि फलाहारी व्रत होगा, व्रत के लिए होगा। ये बॉयल आलू जो कि, और ये हमारा कुट्टू का आटा एक कटोरी, ठीक है। तो इसका हम बैटर बनाएंगे। ये देखिए, जैसा कि हम हर बैटर बनाते समय करते हैं, ऐसे ऐसे करके हल्का हल्का सा हमें पानी डाल के इसका बैटर बना के रखना है इस तरह से, ठीक है। पहले थिक रखेंगे, फिर हल्का हल्का पानी डाल के बैटर को अच्छे से करेंगे, जैसे गांठे भी ना पड़े और अच्छे से बैटर बन जाए। और ये जो हम बना रहे हैं, ये फलाहारी बना रहे हैं, और आप वैसे भी बना सकते हैं। ये देखिएगा, हमारा अच्छे से फिट चुका है, बट इसको हम कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए, तब तक हम अपने मिर्चों का करते हैं। चलिए गाइस, तब तक ये हम अपने बोंडा और मिर्ची बड़ा बनाने के लिए जो हमें बैटर को भरना है, इसके अंदर फिल करना है जिससे, तो वो बैटर बनाते हैं। तो चलते हैं उस तरफ। ये देखिएगा, इसमें हमने एक स्पून घी ऐड किया हुआ है क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिएगा, घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। ये देखिए, जीरा मिर्च हरी कट करेंगे, और इसमें ऐड करेंगे अपने आलू जो कि हमने बॉयल करके फिर से तोड़ रखे थे, इनको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और इसमें हम ऐड करेंगे अपना सेंधा नमक क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं, तो इस तरह से स्वाद अनुसार सेंधा नमक ऐड करना है और उसको फ्राई कर लेना है। देखिए गाइस, इसमें अगर गुठलियां हो, इसे बहुत महीन करने की जरूरत नहीं है, बट लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं कि मिर्च में भरने में ना आए, तो इस वजह से जो बड़े बड़े लंग्स हों उन्हें ऐसे करके आप फोड़ सकते हैं, फोड़ लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। देखिए गाइस, आप इसमें काली मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर वगैरह डाल सकते हैं, जो भी गर्म मसाला आप व्रत में खाते हो, बट हम ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं, इस वजह से नहीं ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। और चलिए, ये तो हमारा अच्छे से भुन चुका है, तो अब चलते हैं मिर्च की तरफ। ये देखिए गाइस, हरी धनिया डाल दी है, ठीक है। मिक्स करके इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल देंगे जैसे कि ये ठंडा हो जाए हमारा। अब गाइस इसको ठंडा होने देते हैं इसी तरह से, ठीक है। और चलते हैं अपने दूसरे प्रोसेस की तरफ। ये हमारे मिर्च हैं, ठीक है, तो इनको धो के हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, ठीक है। अब इनको हम ऐसे करके कट करेंगे, और ऐसे करेंगे कि यहाँ पर आके जुड़ा रहे, निकले नहीं, यहाँ पर जुड़ा रहे, यानी इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, इसके आप मिर्च चाहें तो आप ऐसे करके हाथ से निकाल दें। ये देखिए, निकाल देते हैं हम। ये देखिएगा, ज़्यादा मिर्च हो तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये देखिए, सारे मिर्च निकल गए हैं दाने, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो हम सारे ऐसे करके रखते हैं बिल्कुल ही। ये देखिए गाइस, सारे हमने निकाल के ऐसे खाली करके रख लिए हैं। अब इनको देखिए गाइस, हम इनको कैसे करते हैं, ठीक है। तो इनको लगभग हम इस तरह से इसको काट के निकाल देंगे। इसको आप सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसको भी ऐसे करके इसको, ये देखिए, इसको निकाल के अलग हटा दिया, ठीक है। और उसके बाद में हमको लगभग इतने एक इंच के व्यास में इस तरह से गोल गोल, सॉरी, ये देखिए इस तरह से काट लेना है, ठीक है। ज्यादा हमारी मिर्च बड़ी नहीं है इसलिए ज्यादा नहीं निकल पा रहा है, एक ही एक निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, और गाइस देखिए, इसको फेंकने की जरूरत नहीं, ये सब्जी में पड़ जाता है तो इसको अलग रख लेंगे। ये देखिए गाइस, हमारे पास लगभग ये चार निकल के आए हैं कंगन जैसे, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल करेंगे। देखिए गाइस, बड़ी शिमला मिर्च होती है ना, तो उसमें कई निकल आते हैं। ये जो इसका है, ये इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे सब्जी में, ठीक, इसको साइड में रखते हैं। आप देखिए गाइस, हम पहले अपने ये जो मिर्च हैं
इनको फिल करके रख लेंगे। ठीक है, तो हम अपनी एक स्पून लेते हैं, उससे फिल करते हैं। ये देखिए गाइस, अपनी स्पून से ले लिया है। ठीक है, और इस तरह से हम इसमें अच्छे से फिल कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए गाइस पूरा फिल हो गया है। एक्स्ट्रा हो वो निकाल दीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं भरना है। ठीक है, बस ऐसे करके फिल कर देना अच्छे से। ये देखिए फिल हो गया, जिस तरह से हम फिल करते हैं। फिर मिलते हैं, देखिए गाइस हमारे मिर्च भर गए हैं। ठीक है, तो अपने हम ये भरते हैं शिमला मिर्च, जिनको हम शिमला मिर्च बोंडा बना कहते हैं, तो उनको भी हम ऐसे करके ऐसे आराम से बिल्कुल ये आहिस्ता से बिल्कुल भरने, क्योंकि इनको भरना बहुत ज्यादा स्ट्रिक है, क्योंकि ये दोनों तरफ से छेद होता है ना, इनमें इधर से भी और इधर से भी, तो ये बाहर निकलने का रहता है। तो ये देखिए आराम से भर दिया बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए तो ये आराम से भर गया है। इसको भी साइड में रखते हैं इस तरह से, और इसको भी इससे भरते हैं बिल्कुल हाथ लगा, अगर स्पून से नहीं हो पाता तो आप हाथ लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, साफ हाथ होते हैं, साफ धुल के हाथ, बस हैंड को अपने अच्छे से धुलते रहिएगा, क्योंकि इसमें कोरोना वायरस की बहुत समस्या है। ठीक है, ये देखिए ये भी भर गया हमारा अच्छे से, स्प्लिट हो गया। तो ये देखिए, तो इसको भी रखते हैं साइड में, इधर ही रख लेते हैं। तो सारे भरते फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस हमारे सारे बन के तैयार हो गए हैं, तो चलिए इनको फ्राई करते हैं। ये देखिए गाइस 20 मिनट हो चुका है, तो ये इसी कंसिस्टेंसी का चाहिए हमको। ठीक है, ये देखिए, ताकि ये हमारे चिपक सके अच्छे से, तो इसमें हम डालेंगे मिर्च, सॉरी डालेंगे हम नमक। इसमें आप लाल मिर्च अगर खाते हो व्रत में तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, हम नहीं खाते हैं तो हम नहीं ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी अच्छे से हम मिला लेंगे। ये देखिए गाइस, एक हम शिमला मिर्च बोंडा लेंगे और अपनी इस डिप में डिप करेंगे अच्छे से सब तरफ से, और हम अब इसको ऑयल में घी में छोड़ देंगे धीरे से। ठीक है, इसको हम पका लेंगे अच्छे से, धीमी फ्लेम पर पकाना है। ये देखिए गाइस इस तरफ से सिक चुका है, तो धीरे से इसको हम पलट देंगे, बहुत धीरे से काम करना होगा इसको। ये देखिए गाइस हमारा सिक चुका है, तो इसको अलग बर्तन में हम रख लेंगे इस तरह से, ऐसे, और फिर दूसरा इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस आप स्पून से भी कर सकते हैं, बस इसका बैटर उतना ही होना चाहिए जैसे पकौड़ियों का नहीं हम करते हैं उसी हिसाब से, बस इसको ले जाके हल्का सा धीरे से छोड़ देना है, इसको धीमी फ्लेम पर पकाना है। ये देखिए गाइस इसको भी धीरे से ऐसे पलटना है और पका देना है। ठीक है, धीमे धीमे पकाना, क्योंकि शिमला मिर्च है ना, तो थोड़ी शिमला मिर्च पकनी भी चाहिए ना, इसलिए। ये देखिए गाइस ये भी हमारा हो चुका है, इसको भी अलग निकाल लेंगे। ये देखिए पास से आपको दिखा देते किस तरह से रेड रेड है, इसको अलग निकालते हैं। अब इसी तरह से हम मिर्ची भी बनाएंगे। ये देखिए अपनी एक मिर्च को उठाया और अच्छे से लपेट लिया इसमें। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लपेटा, और जितना एक्स्ट्रा है वो निकल जाने दीजिए आप, और उसके बाद में हम इसमें पकने के लिए डाल देंगे। ये देखिए इसको हमने पलट दिया है, अब इसमें अगर हम डालना चाहें तो साइड में यहाँ पर दूसरी भी हम ऐड कर सकते हैं, तो डालते हैं दूसरी। ये देखिए गाइस दूसरी भी ऐड कर दी है, बट इसको धीमे धीमे पकाना होगा, क्योंकि इसके और आलू है अंदर तक, तो अच्छे से पकना चाहिए, तो पकाते हैं फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस ये भी उसी तरह से बन चुके हैं, तो इनको भी हम अलग निकाल लेंगे, और इसी तरह से हम सारे अपने मिर्ची बड़ा और बोंडा बना के हम रख लेंगे। ठीक है, तो सारे बना के और फिर मिलते हैं आके। देखिए गाइस हमारे बन के रेडी हैं मिर्ची बड़ा और बोंडा, तो चलिए इनको सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए इस तरह से, और आप इसको मन चाहे डिप के साथ खाएं,
जो आप व्रत में खाते हो, चटनी या फिर किसी चीज के साथ, जो भी चीज आप खाते हो उसके साथ सर्व करिए, बहुत 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 यम्मी लगने वाले हैं, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी। तो अगर हमारी ये रेसिपी आज की पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट डे मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ।